ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन कराची के सदर नियाज अहमद खास खैली ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना साई सरकार और हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ साजिश करार दे दिया। सिंध हुकूमत के हक में रैली भी निकाली गई। सिविल अस्पताल कराची में बीबी शहीद की 67वीं सालगिरह के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के जियालों ने सालगिरह का केक काटा और बुलंदो बाला नारों के साथ बीबी शहीद से इजहार मोहब्बत किया। तकरीब से खिताब करते हुए ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के रहनुमाओं ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने को आड़े हाथों लिया। हम सिंध गवर्नमेंट के साथ हैं और उसके साथ साथ जो सिंध गवर्नमेंट ने हमारी तनख्वाहें बढ़ाई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, क्या पूरी सिंध के मुलाजमों की 10% हमारी तनख्वाह बढ़ाई है पीपल्स पार्टी ने, सैयद मुराद अली शाह ने, और उसके साथ हमें रिस्क अलाउंस भी दिया है, सबको दिया है, चाहे वो कोविड यूनिट में ड्यूटी करे ना करे, चाहे वो एमएस की ऑफिस में किसी डायरेक्टर की ऑफिस में बैठा होगा, लेकिन उसको फिर भी वो रिस्क अलाउंस मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम दोस्त और साथी चेयरमैन बुलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, वजीर सेहत मोहतरमा अजरा पीचू हो, इन सब के साथ है और जो वो हुकुम और जो है मतलब ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह उस पर लब्बैक कहेंगे। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ पैरामेडिकल की वाहिद नुमाइंदा जमायत है और हमारे कारकुनों का अपने कायद पे और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये एतमाद का इजहार है कि आज वो इतनी तादाद में यहाँ आए हैं और प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया है। जबकि इस मौके पर एएसपीपीएम कराची के सदर नियाज अहमद खास खैली भी सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर खूब बरसे और कहा कि कल तक जो पार्टी और सिंध हुकूमत के साथ वफादारी के दावे कर रहे थे आज वही लोग पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, पार्टी क़यादत होश के नाखून ले और अपनी सफों में मौजूद काली भेड़ों को पहचाने। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल जो हम ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बने या सिंध गवर्नमेंट को हम ब्लैकमेल करें हम कभी नहीं चाहेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, जो हमारे कुछ जगह हमारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल के जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडवाइजर टू मिनिस्टर जो होगा उनके गोद में बैठ के जो होगा आज वो सीएम सिंध के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हम उनके खिलाफ हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हम एहतियात में जाएं या अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हम एहतियात करें या उनके खिलाफ नारेबाजी करें। ये हमारी पूरी कैबिनेट पूरी सिंध योर डिवीज़न के उद्दारान ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के उद्दारान ने ये फैसला कर लिया, तो आज हम जो का न पहले उनका हिस्सा थे न अभी हिस्सा बनेंगे, कोई भी किसी किस्म का जो का हम उनका साथ नहीं देंगे, हम सीएम सिंध के साथ हैं। नियाज खास खैली का कहना था वफाक और तीनों सूबाई हुकूमतों ने गरीब दुश्मन बजट पेश किया लेकिन सिंध हुकूमत ने गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करके आवाम दोस्त बजट दिया। जो आज वो सिंध गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं जो अनासर, ये पूरे पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट ने 10% तनख्वाह बढ़ाई, पाकिस्तान में किसी भी सूबे में तनख्वाह नहीं बढ़ी जो का, और रिस्क अलाउंस सीएम सिंध ने दिया। उसके अलावा सीएम सिंध क्या दे ऐसे मोजी मर्द कोरोना के वबा में पूरा दुनिया फैली हुई है जो का दुनिया मैशत तबाह हुई है दुनिया की। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना नीम तबी अमले के खिलाफ साजिश है जिसे किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे और सीएम सिंध से ये हमारी कमिटमेंट है कोई भी उसमें जो का कमी महसूस नहीं होगी, इनके एहतियात से हॉस्पिटलों में कमी महसूस नहीं होगी और इंशाल्लाह काम जैसे चल रहा था हॉस्पिटलों में वैसे ही चलेगा। कराई डिवीज़न में हमारी जिम्मेदारी है तो हम हॉस्पिटल को कभी भी सफर नहीं करने देंगे, बंद नहीं होने देंगे, हॉस्पिटल इंशाल्लाह खुली रहेगी। बाद अज़ा एएसपीपीएम कराची डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के नौ मुंतखब अहदेदारान का ऐलान भी किया गया। हर खबर से अपडेट रहने के लिए खबरों सियासी या मुल्क के बहरान की या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।